वेलकम टू ड्रीम केबीसी जीके। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका ड्रीम केबीसी जीके चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर एमसी मेरी कॉम से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण जनरल नॉलेज सेमिनार के क्वेश्चन लेके आए हो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे, नॉलेजेबल लगे, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नम्र विनती रहेगी आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहां पे मैं क्वेश्चन बोलूंगा, बाद में उसे आंसर सोचने का आपको थोड़ा टाइम भी दिया जाएगा। अगर आपको पता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो और अपना नॉलेज भी चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, एशियन स्पोर्ट्स राइटर्स यूनियन ने एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट 2019 किसे चुना है? एशियन स्पोर्ट्स राइटर्स यूनियन ने एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट 2019 किसे चुना है? क्वेश्चन का सही उत्तर है एमसी मेरी कॉम। तो एमसी मेरी कॉम को मुक्केबाज को महिला मुक्केबाज को एशिया की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट चुना है। एमसी मेरी कॉम इनका जन्म 1 मार्च 1983 में कंगथे चूरा चांदपुर जिला मणिपुर राज्य में हुआ था। तो उनके पिता का नाम मांगते तोपा कॉम, उनकी माता का नाम मांगते अकहम कॉम, उनके कोच उनके गोपाल देवांग रोंगमी जोशिया चार्ल्स इल्किंसन और एम नरजीत सिंह उनके कोच है रह चुके हैं। मेरी कॉम पर बनी फिल्म मूवी थी जो 2014 में आई थी मेरी कॉम, जो जिसमें अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने उनका मेरी कॉम का रोल बखूबी निभाया था। क्वेश्चन नंबर 2, एमसी मेरी कॉम का पूरा नाम क्या है? इस क्वेश्चन का उत्तर मांगते चुंगनेजोंग मेरी कॉम। तो मांगते चुंगनेजोंग जेंग मेरी कॉम, मेरी कॉम का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 3, महिला विश्व एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2001 स्केप्टन में एमसी मेरी कॉम ने कौन सा पदक जीता था? क्वेश्चन का उत्तर है रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था 48 केजी भार वर्ग में महिला विश्व एमेच्योर मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2001 में। क्वेश्चन नंबर 4, गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ 2018 में मेरी कॉम ने मुक्केबाजी में किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था? इस क्वेश्चन का उत्तर 48 केजी लाइट फ्लाईवेट में उसने कृष्णा ओहरा को हराया था चीन की। क्वेश्चन नंबर 5, एमसी मेरी कॉम को राज्यसभा सदस्य कब मनोनीत किया गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर 25 अप्रैल 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मनोनीत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, एमसी मेरी कॉम ने 2012 में लंदन समर ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? इस क्वेश्चन का उत्तर कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज मेडल वुमेन्स फ्लाईवेट में एमसी मेरी कॉम ने 2012 लंदन ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 7, महिलाओं के विश्व एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एमसी मेरी कॉम ने स्वर्ण पदक कब सर्वप्रथम कब जीता था? क्वेश्चन 2002 में एंटालिया में सर्वप्रथम महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप जीती थी। क्वेश्चन नंबर 8, कितनी बार महिलाओं के विश्व एमेच्योर मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने का विश्व रिकॉर्ड एमसी मेरी कॉम के नाम है? इस क्वेश्चन का उत्तर है 6 बार, 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 और 2018 में न्यू दिल्ली में विश्व चैंपियनशिप महिलाओं के विश्व चैंपियनशिप मुक्केबाजी जीतने का रिकॉर्ड एमसी मेरी कॉम के नाम है। क्वेश्चन नंबर 9, एमसी मेरी कॉम ने AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप न्यू दिल्ली 2018 में किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता था? इस क्वेश्चन का उत्तर है हन्ना ओखोटा, यूक्रेन की हन्ना ओखोटा को हरा के मेरी कॉम ने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 10वें संस्करण में न्यू दिल्ली में स्वर्ण पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2005 में एमसी मेरी कॉम का विवाह किसके साथ हुआ था? इस क्वेश्चन का उत्तर है के ऑनलर कॉम, तो के ऑनलर कॉम के साथ हुआ था एमसी मेरी कॉम का विवाह और उनके दो ट्विंस बच्चे हुए थे 2007 में और 2013 में एक बेटा भी हुआ था, दो ट्विंस लड़कियां थी, तो तीन बच्चे हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार द्वारा एमसी मेरी कॉम को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर 2009 में
भारत सरकार द्वारा खेल में दिया जाता सर्वोच्च पुरस्कार है राजीव गांधी खेल रत्न, जो उनके साथ में विजेंद्र सिंह को बॉक्सिंग में और सुशील कुमार को रेसलिंग में दिया गया था, तीनों को संयुक्त दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, एमसी मैरी कॉम ने दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन गेम्स 2014 में मुक्केबाजी में किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था? क्वेश्चन का था फ्लाईवेट, 51 किलोग्राम फ्लाईवेट में स्वर्ण पदक जीता था, जो जाइना शेकर बेकोवा को हरा के कजाकिस्तान की। क्वेश्चन नंबर 13, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए मुक्केबाजी के एथलीट राजदूत समूह की महिला प्रतिनिधि के रूप में किस भारतीय महिला एथलीट को नामित किया गया है हाल ही में अक्टूबर में? क्वेश्चन होते हैं एमसी मैरी कॉम को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार द्वारा एमसी मैरी कॉम को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन का होते 2006 में भारत सरकार द्वारा एमसी मैरी कॉम को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार द्वारा एमसी मैरी कॉम को अर्जुन अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन का होते 2003 में भारत सरकार द्वारा एमसी मैरी कॉम को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, एमसी मैरी कॉम को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया था? इस क्वेश्चन का उत्तर वर्ष 2013 में एमसी मैरी कॉम को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था भारत सरकार द्वारा, और एमसी मैरी कॉम का निकनेम, उनका उपनाम मैग्निफिशेंट कॉम है। क्वेश्चन नंबर 17, एमसी मैरी कॉम को पीपल ऑफ द ईयर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से कब सम्मानित किया गया था? क्वेश्चन का उत्तर 2007 में एमसी मैरी कॉम को पीपल्स ऑफ द ईयर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, एमसी मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन को थे अनब्रेकेबल, तो अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम की आत्मकथा का नाम है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रारंभ में एमसी मैरी कॉम ने किस बॉक्सिंग कोच से ट्रेनिंग ली थी? क्वेश्चन का उत्तर एम नरजीत सिंह से ट्रेनिंग ली थी प्रारंभिक काल में एमसी मैरी कॉम ने। क्वेश्चन नंबर 20, साल 2018 में मैरी कॉम को किस राज्य सरकार द्वारा वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया गया था? 2018 में 2015 के वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया गया था उनको, 2018 में सम्मानित किया गया, मगर 2015 वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एमसी मैरी कॉम को 2015 के वीरांगना सम्मान से सम्मानित किया गया था 2018 में। दोस्तों यहाँ पे यह वीडियो समाप्त होता है। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, आपकी स्टडी में हेल्पफुल लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारा यह चैनल ड्रीम केबीसी जीके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों आपको नंबर विनती रहेगी, आप नीचे रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और बाजू में रहे बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाले ऐसे ही फुल्ली नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।